हेलो दोस्तों, मैं हूँ तृप्ति श्रीवास्तव। हमारे चैनल जोवियल टैलेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक की वीडियोस में हमने मूलांक एक से लेकर मूलांक नौ तक के लोगों के व्यक्तित्व के बारे में बताया। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। आप में से कुछ दोस्तों ने इच्छा जाहिर की है कि साल 2018 उनके लिए कैसा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आपकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो में हम बताएंगे कि अलग अलग मूलांक के लिए साल 2018 कैसा बीतेगा। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, ये बिल्कुल फ्री है। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो 2018 पर चंद्रमा का आधिपत्य रहने वाला है, क्योंकि अंक शास्त्र के अनुसार वर्ष 2018 का अंक 2 है, जिसका स्वामी चंद्र है। दूसरे शब्दों में कहें तो वर्ष 2018 पूरी तरह से चंद्रमा के नियंत्रण में रहेगा। ज्योतिष में चंद्र ग्रह का विशेष महत्व है। हर वर्ग हर उम्र के लोगों के लिए अलग अलग संदेश लेकर आया है नया वर्ष 2018। तो चलिए जानते हैं कि अंक ज्योतिष के अनुसार आपके मूलांक के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2018। जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हो, उनका मूलांक 4 होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि मूलांक 4 वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2018। ज्योतिष के अनुसार मूलांक 4 का स्वामी राहु है और वर्ष के मूलांक का स्वामी मंगल है। दोनों में शत्रुता है, इस कारण मूलांक 4 के जातक को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने प्रयासों और मेहनत से इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करेंगे। अपनी मेहनत की वजह से ही आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल रहेंगे। अतः अपनी कमजोरियों को इस साल अपने ऊपर हावी न होने दें। मानसिक रूप से आप थोड़े असहज हो सकते हैं, इससे निदान के लिए योग और ध्यान का सहारा लें। साथ ही अच्छी सेहत के लिए व्यायाम भी करें। पेशेवर और निजी जिंदगी में आपको कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन आपको हताश नहीं होना है, बल्कि आपको विवेक से काम लेना होगा। महत्वपूर्ण कार्यों को आसानी से पूरा करने में आप सफल रहेंगे। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई की ओर से भटक सकता है, इसीलिए भटकने से अच्छा है कि छात्र अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। मूलांक 4 के जातक के लिए 2018 औसत है, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहना है। पारिवारिक जीवन में सुख दुख की छाया बनी रहेगी। वर्ष 2018 में आपको निराशा से बचते हुए सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना होगा। निजी एवं व्यवसायिक जीवन तनावग्रस्त होगा, परंतु याद रखें कि नकारात्मक विचार केवल दुर्भाग्य लाएंगे। छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपनी एकाग्रता में सुधार करना चाहिए। घरेलू जीवन में आपको मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं, परंतु विचलित ना हो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। योग और ध्यान रोजाना करेंगे तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। सभी महत्वपूर्ण कार्य आप सहजता से पूरा कर पाएंगे। नकारात्मकता को स्वयं पर हावी न होने दें। पूरे साल आपको नकारात्मक चीजों से दूर रहना है, क्योंकि ये आपके राह में रोड़ा बन सकती है। आपको अपनी दुर्बलताओं पर नियंत्रण पाना होगा। कार्य क्षेत्र हो या पारिवारिक जीवन, हर तनाव का डटकर सामना करें और मन को शांत रखें। महिलाओं के लिए यह वर्ष विशेष रूप से भाग्योदय कारक साबित होने वाला है। मनचाहे वर की प्राप्ति होगी और जो महिलाएं काफी दिनों से नौकरी के लिए प्रयासरत थी, उनकी चाहत पूरी प्रतीत होंगी। बैंक एवं आईटी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष मनोवांछित फल देने वाला साबित होगा। खरीद फरोख्त एवं कपड़े से जुड़े कारोबारी साल के अंत तक बड़ा मुनाफा वसूलने में कामयाब रहेंगे। इस वर्ष आपको अति उत्साह से बचकर चलना होगा।
कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आप परेशानी में पड़ जाएं। पारिवारिक मामलों में मिलजुल कर ही चलना होगा। मान प्रतिष्ठा का ख्याल रखें, मित्र वर्ग का सहयोग लें, लेकिन सावधानी पूर्वक चलें। अपनी माँ के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। माता के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता उत्पन्न हो सकती है। नवीन कार्य योजनाओं में सावधानी रखनी होगी। आर्थिक मामलों में सावधानी और सतर्कता बरतें। शासकीय व्यक्तियों को काफी संभल कर चलना होगा। नौकरी पेशाओं के लिए अपने कार्य पर सतर्कता रखनी होगी। शत्रु पक्ष पे अपनी कूटनीतियों द्वारा सफलता मिलेगी। किसी निकटतम व्यक्ति से मुलाकात संभावित है, जिससे आर्थिक लाभ एवं मानसिक शांति दोनों प्राप्त होगी। वर्ष 2018 मूलांक 4 वाले लोगों के लिए एक अच्छा वर्ष नहीं होगा, क्योंकि आप सबसे अधिक चुनौतियों का सामना करने की संभावना रखते हैं। वर्ष 2018 के लिए अच्छा रंग नीला है। लाल रंग से बचें। भगवान काल भैरव और राहु की पूजा करना आपके लिए शुभ कार्य होगा। सफलता प्राप्ति की दिशा दक्षिण पश्चिम है। 8 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि सूर्य देव की पूजा करें तो जीवन में सफलता मिलेगी। काले कुत्ते को दूध पिलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ पूरे वर्ष इन्हें नकारात्मक ऊर्जा से बचाए रखेगा। कुल मिलाकर वर्ष 2018 आपके लिए मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे प्लीज लाइक करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।